वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हीरो स्प्लेंडर BS6। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जल्दी शुरू करते हैं। जो स्प्लेंडर BS6 मेरे फ्रेंड की है, अभी उसने परचेज किया है कुछ ही दिन पहले, तो मैंने सोचा चला और रिव्यू करते हैं इसका आज। वैसे तो इसमें बहुत सारे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसके कार्बोरेटर नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ दे रखी है FI, जिससे क्या है ना, गाड़ी जैसे जो नॉर्मल बाइक्स थी पहले जो BS4 BS3 में आती थी, उनमें क्या था कि पेट्रोल, मतलब कोई बंदा है गाड़ी को अगर ओवर स्पीड चला रहा है तो पेट्रोल तो उन्हें उतनी ही जानी है, ठीक है, इंजन पर लोड पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि FI इंजन है। इसका एक फ़ायदा ये है सबसे बड़ा, जैसे कि आप भगा रहे हो तो ठीक है, नहीं भगा रहे हो तो ठीक है, पेट्रोल सफिशियंट जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो अब एक थोड़ी सी दिक्कत और हो गई है, जो बंदे अपने कुछ हैं तो पहले जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या करा, चौक लगाया, ले गए एक दो किलोमीटर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता इसमें क्योंकि चौक है ही नहीं, दे ही नहीं रखा कंपनी ने, ठीक है। अब इसमें दे रखी है फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो कि टंकी के अंदर वही फिटेड है जो बड़ी गाड़ी में आती है ना। और ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं है इसमें, चलो आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये दे रखा है कन्वर्टर, ये वैसे तो नहीं पता लेकिन ये प्रदूषण वगैरह जो होता है उसको काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। किक तो है लेकिन सेल्फ स्टार्ट में भी है, ऑप्शन दोनों रहते हैं, किक में भी ले लो आप, सेल्फ स्टार्ट में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसमें प्लग 3 दे रखे हैं कंपनी ने, अब पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, देखो मैं दिखाऊँ, तीसरा प्लग ये दे रखा है इसमें, है ना। और इसमें एक चीज़ और मुझे सबसे अच्छी लगी है, जैसे जो कुछ नए जैसे भाई हैं, नए कुछ चलाना सीखते हैं, वो क्या करते हैं ना, जैसे अचानक कोई समस्या आई सामने या उन्होंने ब्रेक मारे तो एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें ये I3S टेक्नोलॉजी है, जो I3S टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, ये देखो ये डबल लीवर लग रहे हैं, तो जैसे आप अगर पीछे वाला लीवर दबाओगे तो दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगे, ना कि सिर्फ सिंगल लगेगा। जैसे वैसे क्या होता ना, जैसे पीछे वाले ब्रेक लगाए तो बाइक पीछे से फिसलती थी, चिरछी वगैरह तो गिरने के चांस रहते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि पीछे वाले ब्रेक दबाओगे तो आगे वाले ऑटोमेटिक लगेंगे। और एक सबसे अच्छी बात जो पहले नहीं थी इस बाइक में, इसके टायर्स, पहले क्या था इसमें कि ट्यूबलेस टायर नहीं थे, जैसे कहीं पंचर हो गई तो फिर उसे वही खींचते फिर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब दोनों टायर दे रखे हैं इसमें ट्यूबलेस, जो कि कोई मेरे हिसाब से दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें टायर दे रखे हैं अपने 80/118 के, ये आप देख सकते हो, ये 80/118 के टायर है ना। तो चलो इसको मैं आपको एक बार स्टार्ट करके सुनाता हूँ इसका साउंड, ठीक है। तो सुना आपने इसका साउंड, बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, पहले वाली से डिफरेंट है, मुझे तो डिफरेंट लगता है, लेकिन आप बताना आपको कैसा लगा, पहले से अच्छा है, बेटर है या नहीं बेटर है। इसमें अब ये FI जो पंप दे रखा है, FI जो सिस्टम दे रखा है, उससे एक फ़ायदा और है,
जैसे जो पहले जो BS4 जो स्प्लेंडर आती थी उसमें क्या था, सर्दियों में बड़ा दिक्कत होती थी उनको स्टार्ट करने में। स्टार्ट अगर हो भी जाती थी ना तो फिर वही चौक लगाओ, उनको थोड़ा सा हीट करो, तब चलती थी। लेकिन इसका क्या है, इसको आप फर्स्ट किक या फर्स्ट शेल में स्टार्ट करोगे, ये बंद नहीं होगी, क्योंकि इसमें पेट्रोल गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है ना, तुरंत टंकी से मतलब इंजन में जाना स्टार्ट हो जाती है, तो जिससे कि ये बंद नहीं होती है। मैंने भी ट्राई किया है कई बार, लेकिन बंद होती नहीं है। ये थोड़ी सी इसमें कमी दे रखी है, क्योंकि इसमें ये किल स्विच नहीं है, बस ये किल स्विच और होता तो काफ़ी बेटर था। ये किल स्विच और होना चाहिए था इसमें। और ये इसकी मीटर की बात करें तो मीटर तो लगभग इसका वही है, लेकिन इसमें ये साइड स्टैंड दे रखा है, और ये इंजन चेक लाइट, जो कि ये काफ़ी सही चीज़ है, जो कि पता नहीं चलती नॉर्मल बाइक्स में, लेकिन अब इसमें ये अच्छी अच्छी दे रखी है, जिससे कि पता चल जाती है गाड़ी में कोई दिक्कत है तो भाई अपना चेक करा सकते हो आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये बाइक कुछ पड़ती है यही अराउंड 75 के अराउंड, जो कि सही है, ठीक ठाक है अपना, है ना। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरी इधर ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, आप उस पर मेरे को फॉलो करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों।